मैं डॉक्टर विवेक कुमार, प्रोफेसर एंड हेड स्वामी विवेकानंद चेयर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू, आपके स्वागत के लिए जो 3 दिवसीय सनातन हिंदू फाउंडेशन की मीटिंग के लिए अयोध्या जी में आ रहे हैं। ये संस्था जो 3 वर्ष पहले बनी, यद्यपि ये 3री मीटिंग होनी चाहिए थी वार्षिक, परंतु कोरोना के कारण इसकी 2री वार्षिक मीटिंग नहीं हो पाई। पहले मुंबई में हुई जब इसका निर्माण किया गया। सनातन हिंदू फाउंडेशन विस्तार से तो अयोध्या जी में ही बात होगी, परंतु संक्षेप में इस संस्था के सामने जो चुनौतियां हैं, जो समस्याएं हैं, हमेशा ही रही हैं। 800-900 साल से हम देख रहे हैं, पर समय समय पर उस समय के महापुरुषों ने उस समय की समस्याओं और चुनौतियों का सामना करने के लिए जो कुछ भी कर सकते थे उन्होंने किया। ऐसे ही आज जो समस्याएं और चुनौतियां हमारे सामने हैं, उनका हल ढूंढने के लिए, उनका सामना करने के लिए और इस सनातन हिंदू फाउंडेशन के माध्यम से सनातन परंपरा, संस्कृति, सभ्यता को बचाए रखने के लिए और इस देश को बचाने के लिए, इस समाज को बचाने के लिए एक बहुत बड़ा प्रयास, आज की समस्याओं का जो स्वरूप है उसको ध्यान में रखते हुए वैसे ही उसके समाधान ढूंढे गए। नई लड़ाई नए हथियार नए तरीके। वो नए तरीके क्या क्या हो सकते हैं, विस्तार से बात तो वही होगी, लेकिन इतिहास नया लिखा जाए। वामपंथियों ने कांग्रेसों के इशारे पर जो इस देश का इतिहास लिखा वो विकृत है, बहुत गड़बड़ है। ऐसा ही शाश्वत इतिहास, शाश्वत देवालय, मंदिरों को संस्कार और सेवा का सक्रिय केंद्र बनाते हुए इस समाज को संगठित करना, संस्कारित करना, सशक्त बनाना, ये एक भव्य मुख्य लक्ष्य लेकर के हम चलेंगे। इन सारी बातों के ऊपर और भी कई बातों के ऊपर मैंने केवल संक्षेप में इशारा किया है, संकेत किया है। हम मिल रहे हैं 18, 19, 20 अक्टूबर को अयोध्या जी में। विस्तार से आपको स्थान की सूचना, समय की सूचना और 3 दिन का विस्तृत कार्यक्रम का ब्यौरा भी आपको भेज दिया गया है। एक नई उमंग के साथ, नए इरादों के साथ, अच्छी इच्छा और संकल्प के साथ, संकल्प से हम सिद्धि की ओर, संवाद से सहमति की ओर। इस बैठक का नाम भी संवाद से सहमति है। हम 3 दिन मिल रहे हैं अयोध्या में। मैं आपके स्वागत के लिए वहाँ पर आपको मिलूँगा। 3 दिन इकट्ठे रहेंगे, आगे बढ़ेंगे। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।